अगर आप भी रहना चाहते हैं चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त और अपने परिवार के और अपने बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं खुशहाल जीवन, तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे इस चैनल की वीडियोस की अपडेट्स फ्री में मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, गर्मियों में आप अपने बच्चों को और अपने आप को ठंडा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, तो उसी तरह की डाइट आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं जिससे कि वह पूरी तरह से इन गर्मियों में ठीक रह सके, अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे अनोखे सुपर फूड्स के बारे में बताऊंगी जिनको आप अगर अपने बच्चे को इन गर्मियों में सेवन करवाएंगे तो आपका बच्चा भी कूल रहेगा, वह भी ठंडक से भरपूर रहेगा और उस पर गर्मी का असर कम होगा। गर्मी में उसका एनर्जी लेवल अच्छी तरह से बना रहेगा और वह बीमार भी गर्मी की वजह से कम पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले है फ्रेंड्स, जो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है वह है अंकुरित दालें। फ्रेंड्स, वैसे तो इस मौसम में उड़द या फिर राजमा जैसी जो भारी दालें हैं उनको खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि ये शरीर में पित्त यानी कि गर्मी को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप अंकुरित दालें खाएंगे तो यह उनके लिए बहुत अच्छी होगी। यह उनकी जो तासीर होती है उसको बदल देती है। अंकुरित करने से इन दालों की तासीर भी ठंडी हो जाती है। इनके साथ साथ आप मूंग की दाल या साबुत मूंग की दाल या चने, जो भी चीज़ अंकुरित करना चाहें वह आप कर सकते हैं। अंकुरित दाल को अगर आप स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें आप टमाटर, प्याज, धनिया, खीरा, नींबू, काली मिर्च, इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं जिनसे कि उनका स्वाद भी बढ़ जाएगा और आपका बच्चा इसको खा भी सकेगा। फ्रेंड्स, इसको यह बहुत स्वादिष्ट होता है, इसको आसानी से पचाया भी जा सकता है और यह प्राकृतिक पौष्टिक आहार है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। गर्भवती महिलाएं भी अगर इसका सेवन करेंगी तो उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छी तरह से होगा और यह अनाज आपके एनर्जी लेवल को बनाए रखता है जिससे कि आप चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते कि आपको अनाज को कैसे अंकुरित करना है तो उसके ऊपर मेरी आप एक वीडियो पहले से ही मैंने बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको अनाज को अंकुरित करने का पूरा प्रोसेस भी दिखाया है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा और आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में जो अगली चीज़ है वह है गोंद कतीरा। फ्रेंड, गोंद कतीरे की जो तेज तासीर होती है वह बहुत ठंडी होती है और गर्मियों में यह बहुत अच्छा माना जाता है। बच्चों को भी आप दें, साथ ही खुद भी आप इसका उपयोग करें। यह गर्मियों में हमारे शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाने में, गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए रात को आप एक चम्मच गोंद को 2 गिलास पानी में भिगोकर रख दें, सुबह उस पानी को फेंक दें और अगर आप वैसे ही खाना चाहें तो आप ऐसे ही खा लें, लेकिन इसको पीस कर भी आप खा सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा जो बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है यानी कि रोज़ का सिरप जो होता है या फिर थोड़ा सा नींबू मिलाकर इसको खाएं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और अगर बच्चों में नकसीर फूटने की भी बहुत समस्या गर्मी में हो जाती है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही अगर किसी को पाइल्स की समस्या है तो उसमें भी यह बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा है फ्रेंड, चंदन या खसखस शरबत। अगर आप चंदन या खसखस शरबत लेंगे तो यह भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही ठंडक पहुंचाने वाला है। अगर आप घर में नहीं बनाना चाहते तो मार्केट में चंदन का शरबत और खस का शरबत, जिसको उसी रासव भी कहते हैं, यह बहुत इजीली अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये आपको जो हीट स्ट्रोक होते हैं यानी कि जब गर्मी, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से लू भी लग जाती है, उसको बचाने के लिए भी यह बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ जिन लोगों की प्रकृति होती है यानी कि जिन लोगों को या जिन बच्चों को एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए तो ये खासकर असरदार है। अगर आप पानी में चंदन पाउडर को मिलाकर उसको उबालकर या फिर इसमें सत्तू जो आता है उसको मिलाकर एक शरबत की तरह पीना चाहें तो यह भी बहुत अच्छा होगा, यह आपको बहुत कूल रखेगा। इसके अलावा है बेल का शरबत। फ्रेंड्स, बेल एक अद्भुत गुणों वाला फल है। बेल का जो शरबत होता है इससे एसिडिटी, कब्ज, यह दोनों में ही असरदार है। यह बहुत ही ठंडी तासीर होता है। अगर आप कच्चे बेल का शरबत पियेंगे तो इससे लूज मोशन तक को रोका जा सकता है और अगर आप पके बेल का शरबत पियेंगे तो इससे कॉन्स्टिपेशन की बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। इसका कूलिंग इफेक्ट इतना अच्छा होता है कि यह अल्सर को भी ठीक कर सकता है और गर्मियों में अगर आप रेगुलर तौर पर अपने बच्चे को इसका सेवन करवाएंगे या खुद भी इसका सेवन करेंगे तो यह उनको पूरी गर्मियों में लू नहीं लगने देगा, उनको गर्मी के इफेक्ट से बचाकर उनको फ्रेश रखेगा, उनको तरोताज़ा रखेगा। फ्रेंड्स, ये थी कुछ
जो सुपर कूल फूड्स हैं, जो सुपर कूल खाने हैं, जिनके खाने से आपका बच्चा और आप भी इन गर्मियों में इस गर्मी के इफेक्ट्स को कम कर पाएंगे, अपने शरीर को ठंडा रख पाएंगे, उसको स्वस्थ भी रख पाएंगे। आप इनका इस्तेमाल इन आने वाली गर्मियों में अपने और अपने बच्चे को स्वस्थ करने के लिए ज़रूर कीजिए। इनको अपनी डाइट का अगर आप हिस्सा संभाल लेंगे तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएंगे। अगर आप इस बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।